हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू अनदर व्लॉग। तो अभी अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, हमने एक ट्रिप तय की है, ठीक है। एंड सुबह टेरिस पे आया हूँ आपको मौसम दिखाने के लिए। आप मौसम देख पा रहे हो, कितना मस्त मौसम हो रखा है सुबह सुबह। यार मैं तो नहीं उठता सुबह सुबह इतनी, आज उठाऊ, ठीक है। तो बहुत ही अमेजिंग मौसम है, इतना क्लाउडी हो रखा है, क्या ही बताऊँ आपको। ऑलराइट गाइस, अभी अपन चलते हैं विकी के पास एंड फिर आपको आगे की प्लानिंग बताते हैं। तो गाइस, विकी आ चुका है, आप देख रहे हो इसे। हाँ भाई, कहाँ चलना है आज सुबह सुबह आगे 6 बजे? चलना है ट्रिप पे, चलना है ट्रिप पे, जा रहे घूमने। इतना धीरे कौन बोलता है बेटा? यार सुबह सुबह उठी है, सुबह सुबह की नींद है, आप लोगों को पता है। तो गाइस अभी आ चुके हैं ढाबे पे एंड यहाँ पे मूड है चाय पराठा खाने का, है ना। इधर से चाय पराठा खा के निकलते हैं और फिर चलते हैं, दो दोस्त हैं उनसे आपको मिलाते हैं, फिर आगे चलते हैं। यार चाय पराठा आ चुका है बट पराठा बहुत ऑयली लग रहा है, तेरे को नहीं लग रहा? सही है भाई, यार भूख में कुछ भी चल जाता है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में यही है अभी, तो खाते हैं इसे। तो भाई चाय पराठा तो खा लिया है, मतलब पराठा बहुत ही ऑयली था मगर ठीक है, अभी सुबह सुबह क्या कर सकते हो। तो अभी चलते हैं सीधा दोस्तों के पास, उनसे मिलवाते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। फाइनली गाइस, ये संजय एंड इसके पास हम आ चुके हैं अभी एंड पानी पी के इधर से चलते हैं एक और के पास। सूरज आ चुका है बाहर, चलते हैं अभी ना के वही। तो गाइस फाइनली हम चार लोग पूरे हो चुके हैं और वन फ्रेम में आ चुके हैं, सही है। अब लॉन्ग राइड पे चल रहे हैं, बट ये लोग बोल रहे हैं लॉन्ग राइड तो गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं, तो अपने पास गर्लफ्रेंड नहीं है, यही लोग हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो इनके साथ ही चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे और आगे का व्यू आपको जस्ट दिखाते हैं। हाँ तो गाइज, हम उमरकोट से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी यहाँ के जो रास्ते हैं ना, बहुत ही टेढ़े मेढ़े, तो यूँ बदलते हैं चाल सांप की तरह बिल्कुल ही, लेकिन अभी हम निकाल रहे हैं। और तो गाइज अभी ना, ये जो आगे वाला रास्ता है ना, इसको बोलते हैं थार, सही है। उर्दू में या हिंदी में थार बोलते हैं, बाकी हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं थर, सही है। तो ये थर का रेगिस्तान है एंड ये आपको घुमाते हैं फिर आगे चलते हैं। हाँ जी गाइस, तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि यहाँ के जो रास्ते हैं बहुत ही टेढ़े मेढ़े, तो यहीं पे देखें हम जैसे ही गुजरे थे थोड़ा ही हमने मुफासला तय किया और यहाँ पे देखें आप। तो गाइज विक्की को यहाँ पे मार्क्स नहीं मिल रहा, कब से ढूंढ रहा है, अभी इसके लिए रुके हुए हैं। अरे भाई ऐसे चल ले यार, भाई यार ये क्या बताऊं। तो गाइज यहाँ पे रुके यार, थोड़ा सोचा कैप पहन ले, बहुत ज्यादा यार धूप है, आप देख रहे हो। ओ भाई इसको मत देखो बहुत ज्यादा धूप है, तो अभी टोपी भाई निकाल जल्दी से, बैग में टोपी पड़ी है, इसको पहनते हैं। अरे वाह क्या बात है, इसको उल्टी पहननी पड़ेगी नहीं तो उड़ जाएगी यार, इसको ऐसे पहनते हैं अपन, अभी लग रहे हैं ना। इससे बचाव क्या होगा इसका? हाँ धूप से क्या बचाव होगा, उल्टी पहनी है। अरे धूप से नहीं बचना, बाल बचाने हैं, बाल खराब हो जाएंगे अभी। हाँ कंघा पड़ा वो मैं पहन ले, वो तू पहन ले, सही लग रहा है। तू टोपी पहन रहा है? नहीं नहीं के बहाने हैं, बार बार यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, पता नहीं इनके चक्कर में दो चार घंटे तो ऐसे चले जाएंगे, कभी ये निकाल रहे कभी वो निकाल रहे, एक ही बार में भाई यार निकाल लो, क्या इतना करना तुम्हें यार। भाई सफर में भी आपको पता है थोड़ा बहुत पता चलता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। अरे भाई जब गाड़ी आती है ना सामने से, तो जो मिट्टी आगे लगती है ना, आप यहाँ पे चश्मे मास्क टोपियाँ तुमने नहीं लगाए क्या? गाइस यार मिट्टी इतनी लग रही है कि अंदर तक जा रही है, अंदर तक, समझ रहे हो, अंदर तक वाले को लग रही है गाइस, पीछे बैठने वाले को नहीं लग रही है। सही बात है, ये तो वैसे ही बैठे हुए हैं। और गाइस अपन चलते हैं अभी आगे
मजाक गाइस यार, ये मुझे चाहिए होता था बट इन्होंने मेरे को बताया नहीं। गद्दार ये दोस्त, देशद्रोही हो तुम लोग, देशद्रोही हो, दहशतगर्द तो है, देशद्रोही। इनको उन्होंने मेरे को नहीं बताया यार, मेरे को अगर बताया होता मैं भी यार ये लेके आता, क्योंकि इतनी मिट्टी आ रही है मुंह में, क्या बताऊं आपको। ऑलराइट गाइस, तो गाइस ये है काना केशव भगवान का मंदिर, तो चलते हैं। गाइस यहाँ पे छोटा सा विलेज है जिसका नाम है क्या है बता, कांटियो कांटियो। ओके, तो यहाँ पे मंदिर है कृष्ण भगवान का, यहाँ पे बस अंदर से आ गए हैं, अब चलते हैं आगे। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं बाबा रामदेव के मंदिर चेलार, सही ना, चेलार ना भैया, जी हाँ हाँ चेलार। तो अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं, इससे आगे चलते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। क्या करते हो इधर? मामा क्या करता है? मामा यहाँ पे। अच्छा अच्छा, मंदिर में यहाँ की रखवाली करता है ऐसे? अच्छा अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नाइन्थ में। तुमने तुम्हारे एग्जाम गए, एग्जाम दे दिए? क्या बात है, क्या बात है। स्कूल अभी छुट्टियां है ना तुम्हारी? मस्ती मस्ती करते होंगे है ना? गाइस एक राज की बात बताऊंगा, बट उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लो। तो राज की बात ये कि कल मेरा और विक्की का बोर्ड का एग्जाम है और आज हम जा रहे हैं ट्रिप पे। कितनी रिस्क की बात है यार, ये रिस्क ले रहे हैं हम। रात को किसी टाइम भी आ सकते हैं, वो भी कोई कंफर्म नहीं बता सकते। हाँ, तो कल सुबह 8:30 बजे हमारे एग्जाम है, फर्स्ट ईयर बोर्ड के ना, फर्स्ट ईयर के। तो बाकी मुश्किल है, तो आपके पास यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहा है? हाँ, सब्जी की शॉप पे। ऑलराइट गाइस, अपन अभी पहुंच चुके हैं मुरलीधर मंदिर जो कि है चेलार में, ठीक है। तो अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको एंड कृष्ण भगवान से मिलाते हैं। ऑलराइट गाइस, यहाँ से तो हम होके आ गए हैं नमस्ते करके, बाकी अभी चलते हैं सिटी में। सिटी में तो छोटा ना बड़ा नहीं है, बट यहाँ हाँ 5-6 शॉप्स हैं और 500-600 घर होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे यार देखते हैं, कुछ चिप्स वगैरह खाते हैं, फिर इससे आगे चलते हैं, ठीक है। बाकी हमारा सफ़र नज़दीक ही है। क्या बोला भाई? नज़दीक नहीं है? हाँ बस नज़दीक नज़दीक बोलते चलो, नज़दीक आ जाएगा।
तो गाइज यहाँ पे रुके हैं हम और इधर भुजिया खा रहे हैं, फेमस भुजिया खा रहे हैं इधर, तो भूख लगी है बहुत ज़्यादा तेज, मगर फिलहाल इधर भुजिया ही खाते हैं। बाकी आगे थोड़ा सिटी है बड़ा, उधर चलेंगे। हाँ गर्मी तो है, फिर आगे कुछ खाते हैं, ठीक है। तो गाइज ये संजय लेके आ चुका है, समोसे भी लेके आ गया और चरखान भी लेके आ गया। हाँ भुजिए लेके आ गया, चरखान, हम यहाँ पे यार चरखान बोलते तो आपको चरखान ही बताएंगे, भुजिए ठीक है हिंदी का लफ्ज है, ले भी और तो भाई मेरे को भी चाहिए। टेस्टी है बट यार ऑयल बहुत है इसमें, ऑयल बहुत ज़्यादा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार, इनको देते हैं। तो गाइस मुझे तो अच्छा नहीं लगा बट मेरे वाला इसने खा लिया, अच्छा ये सब के हिसाब से। और अच्छा भाई ये बड़े हुए, मुंह देख के चेक कर लो भाई का, ये लो ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, अच्छा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, तूने खाया ही नहीं, तूने हाथ भी नहीं लगाया, मेरे को ना भुजिया खाना है, इतना पेटी दला दे रही है यार, लगा दे मेरे को, ये अच्छा लगता है तो ये खाऊंगा मैं। तो देखो इस तरीन देखो कैसे भुजिया खा रहा है, जैसे खा रहा हूं जैसे लोग खाते हैं, जैसे इसने खाया ना जो रिकॉर्ड करा है ऐसे किसी ने नहीं खाया। देखो मेरे अभी खुले हुए हैं, अभी मैंने इसको खोले भी नहीं, एक जेब में ये लोग नहीं, अभी जेब में है नहीं बट जेब में डालेंगे ये वाले, पता है इसकी है, जो इसकी है। है। अभी तुमने नहीं खाया यार, ये इसको देते हैं, और भाई अभी कितना सफर बाकी है, अभी 80 किलोमीटर मिट्टी का, 40 किलोमीटर आगे जहाँ भी जाना है वो 80, तो उधर चलेंगे सीधा, पहले मंदिर घूमेंगे, ठीक है, अभी मिट्टी में जाएंगे मंदिर घूमेंगे, मिट्टी में जाएंगे फिर चलेंगे गाड़ी पे, हाँ एक घंटा मिट्टी में होंगे, हाँ फिर आगे निकल चलेंगे, शाम को वहाँ से वापस आ जाएंगे। ओके मंदिर के रास्ते बताए तुझे अगर तुम्हारे साथ, यहाँ पे जोरदार लड़ाई हो चुकी है इन दोनों के बीच में, और ये लड़ चुके हैं इधर, एक दूसरे को मार रहे हैं, खून के प्यासे हो चुके हैं। तो गाइस मत समझना कि हमने समोसे छोड़े थे तो वो वेस्ट हो गए, नहीं हमारा भाई साथ में था, एक दाना नहीं छूटा उसका, ठीक है ना, तो कोई भी कमेंट मत करना कि फूड वेस्ट हुआ इधर। गाइस फाइनली अभी यहाँ से निकलते हैं और सीधा चलते हैं मिट्टी की ओर, एंड उधर से अपन चलेंगे मंदिर घूमेंगे, मिट्टी में एंजॉय करेंगे, घूमेंगे थोड़ा बहुत, फिर देखते हैं। तो गाइस यार फिर से ना विक्की वाले पीछे रुक चुके हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बाकी ये जो अभी मिट्टी तक रोड है ना, कितना 30-35 किलोमीटर जो भी है, ठीक है, ये बिल्कुल साफ है, बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं है, मस्त रोड है, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो गाइस मेरी कैब उतर के गिर गई है नीचे, बहुत दूर से हम आए, ये देखो तो इधर उतर चुके हैं, बहुत दूर से हम वापस आए, अभी मेरे को पता चला, तो अब मैं गाड़ी चलाऊंगा। अभी इसका ना चश्मा गिर चुका है, मगर यार ये अपना चश्मा नहीं संभाल सकता क्या करेगा जिंदगी में, ये कर लिया छोड़ दिया इसने, अब मस्त लग रहा है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था गाइस। देखो यार यहाँ पे भी लोग रहते हैं, ठीक है, आपको मैं भी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, इतने रेगिस्तान में लोग रहते हैं, एंड वो देखो किधर है, हाँ जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो यार मतलब कैसे रहते होंगे यार, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई पानी है ना, कोई शॉप है, हाँ, ना कोई चाय, कैसे रहते हैं मेरे को भी नहीं पता, जस्ट यहाँ से गाड़ियां गुजर रही वही नजर आ रही है, वही मतलब एक दो मिनट में एक दो, हाँ जैसे कि अभी आई है। ये वो दरिंदा दोस्त और ये भी साथ में, तेरे को शर्म नहीं है, बीच में तो रोक सकता था गाड़ी यार, मैंने इसको बोला।
दो तीन लोग आ गए थे पिस्टल उसने लेके हमारे पास यार देख गाड़ी जब भी देख भाई सफर में चलते हैं ना अगर पीछे एक गाड़ी पीछे छूट जाती है ना पीछे एक बार देख लो रुक जाओ कहीं पे तो अच्छा बकरिया क्रॉस किया था हमने क्या कहने उसको बोला था नहीं तो मिट्टी में रुकते डायरेक्ट। तो गाइस यहाँ पे हमारा डिसाइड हुआ है कि इधर एक मंदिर है इस साइड गणेश का ठीक है गणेश भगवान का तो इधर अपन चलते हैं मंदिर फिर आते हैं सिटी में एंड सिटी घुमाते हैं आपको। फाइनल गाइस गणपति बप्पा के मंदिर आ चुके हैं तो गलत आदमी गलत किया इसने बहुत गलत किया मैंने कुछ गलत नहीं किया मैंने इस बंदे को बोला था भाई हम रुकते हैं किसी अच्छी जगह पे ये बंदे आ जाए साथ में चलते हैं इस बंदे ने बोला भाई डायरेक्ट बाईपास पे ब्रेक किलोमीटर था इसलिए हम नहीं रुका हम नहीं रुका कोई नहीं गाइस अब अंदर चलते हैं बप्पा के दर्शन करने फिर आगे देखते हैं क्या करना है। मस्त मंदिर यहाँ पे बना हुआ है इतना अमेजिंग यार मैंने अभी यहाँ पे नहीं देखा ठीक है मैं पहली दफा यहाँ पे आया हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को सीरियसली। पानी पीने थे इधर से फिर अब कौन से मंदिर चलेंगे अपन चलेंगे माउंटेन गड्डी पे सही है वहाँ से पूरा का पूरा मिट्टी दिखता है तो पूरा का पूरा सिटी आपको दिखाएंगे उधर से फेमस है। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं ठीक है ना हाँ मिट्टी की गड्डी पे ये सिटी इस चीज़ के लिए फेमस है ठीक है ना तो चलो आओ आपको इसका व्यू दिखाते हैं हम। तो भाई इतनी देर से ना मैंने माइक कनेक्ट नहीं कर रखा था क्योंकि माइक के लिए हमारे पास वो स्टैंड नहीं है जो माउंट आता है ना इसका माउंट होल्डर वो नहीं है तो फिलहाल तो हाथ में पकड़ के बैठा हूँ अभी मैं भी आपको आवाज़ आती आ रही होगी सही से। तो अभी हम मिट्टी पहुंच चुके हैं यार यहाँ पे बहुत ही मंदिर है अच्छे अच्छे ठीक है तो यू नो गाइस काफ़ी ज़्यादा हम पाकिस्तान में रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं ठीक है तो 90-80% हिंदू जो है ना उमरकोट से मिट्टी और इसी एरिया में रहते हैं हाँ इस डे ये पागल है 75% हाँ 75% लोग हिंदू जो है यहाँ पे रहते बाकी कुछ इंडियंस को भी जो स्ट्रेंजर्स है उनको नहीं पता यार काफ़ी ज़्यादा मेरी बात होती है इंडियंस से तो जब उनको पता चलता है कि हाँ यार तुम्हारा नाम महेश है ठीक है तो कहाँ से हो पाकिस्तान अच्छा पाकिस्तान में तुमको कोई ख़तरा वगैरह नहीं है तो देख पा रहे हो गाइस कितने पीसफुल रह रहे हैं यहाँ पे कितने मस्त रह रहे हैं ठीक है कोई ख़तरा नहीं है इजीली हम मतलब फ्री हैं कि टेंपल जा सकते हैं कोई रोकने वाला नहीं है कोई ऐसा कुछ है नहीं ठीक है तो अभी चलते हैं और भी बहुत ज़्यादा मंदिर है यहाँ पे देखने हम बेसिकली आए थे यहाँ पे जस्ट एक चीज़ के लिए वो था मेला घूमने। अब मेला इधर कितना दूर है 30 किलोमीटर यहाँ से लगभग और हमको 30 किलोमीटर सफ़र करना है जो कि यार बहुत दूर है सही है तो यहाँ पे कम से कम एक घंटा तो रुकेंगे ही एंड थोड़ा रेस्ट करेंगे मस्त फिर यहाँ से चलेंगे एंड मेले पे ठीक है। और आपको ना सिटी का व्यू भी दिखा देते हैं कि सिटी कैसी है यहाँ से कैसी नज़र आती है यू नो ये जो अपन यहाँ पे आए हैं ना सिटी के टॉप हाँ सिटी के टॉप माउंट पे आए हैं इधर इधर से आपको
पूरा का पूरा सिटी नजर आएगा भाई। दूर दूर तक जहां तक मेरी उंगली जा रही है ना, जा रही है कि नहीं जा रही? हाँ, यहीं तक जा रही है। तो वो दूर तक मिट्टी है जहां तक मेरी उंगली भी नहीं जा रही है अभी। सही है। तो यार बहुत ही अमेजिंग नजारा है इधर से, बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है ना। और बाकी बात करें यार, आंधी बहुत है इधर, देख रहे हो आप? आंधी, यस आंधी, इतना ज्यादा आंधी है कि पूरे के पूरा का पूरा जिस्म, आंखें, मुंह रेत में भर गया है, रेत रेत हो गया है। ये देखो भाई, फोटो के लिए चप्पल एक्सचेंज कर रहे हैं ये लोग। ओए बीच बीच क्या करें, 1200 रुपए के सैंडल लिए कल मेले पे आया था, इसलिए हालत देखो एक दिन में कैसी हो गई है। ₹450 की घड़ियाल ली थी मेले के लिए मैंने, और ₹450 का मैंने पर्स लिया था, ये अभी न्यू लिया था। पैसे कितने पर्स वो बता, पैसे कुछ नहीं, पर्स का चोर, पैसे कितने वो बता। तो गाइस कुल मिला के बहुत खर्चा कर लिया इस बच्चे ने, तकरीबन 12,000 रुपए निकाल उसका, 12,000 रुपए महीना। अरे यार छोड़ो, पिक्चर निकाल, पिक्चर निकाल इसकी। ये तरीका गाइस, ये क्या कर रहा है, ये नेता है यार, कर लड़ूंगा, ये इलेक्शन लड़ेगा गाइस, ये क्या कर रहा है, ये नेता बनेगा, ये लो सोने का नहीं, वो ठीक है, इसकी को पिक्चर निकालोगे? पिक्चर निकालने के लिए आया है, निकलवाने नहीं आया? नहीं, ये फोटोग्राफर है। ओ वाह, अंधों की दुनिया का बादशाह। ये देखो इसके स्टाइल, देखो गाइस, नहीं क्या लगता है, सही स्टाइल कर रहा है ये, लड़की को नहीं दे रहा इसलिए। ये देखो फोटो निकाल, फिर यहाँ से हम निकलते हैं, ठीक है, और अब चलते हैं इसके नानी के घर। सही है, हाँ, कुछ खाते हैं पीते हैं, फिर वहां से देखते हैं कहीं और कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। गाइस देखो यहाँ पे इसने अपनी कैब भी वहां पे गिरा दी है, बाइक भी गिरा दी है, और वो चले गए। इधर ये देखो, उठा, चल 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 चल, मैं तेरी कैब लेके आता हूँ। ये हालत है लड़कों की, ये सर की कैब यहाँ पे बड़ी साफ मारेगी। गाइस बिना चालू किए गाड़ी 60 की स्पीड में जा रही है, इधर से आप देख पा रहे हो, मतलब पेट्रोल बचा रहे हम। तो यार संजय के नानी के घर तो पहुंच चुके हैं, मगर यार इतनी धूप है कि अभी 40 किलोमीटर और भी सफर करना है, कैसे करेंगे भाई? चलें देखते हैं क्या होता है रास्ते में, पता चल जाए कोई ठंडी सी लहर आ जाए इसके पीछे। हाँ ठंडी से जादू होगा इसके लिए, ठंडी सी लहर आएगी। यार बारिश का बोल रहा हूँ मैं, अगर बारिश होती ना गाइस, संजय का छोटा भाई विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, आपको क्या लगता है बारिश आएगी? अगर बारिश आ जाती ना तो सीरियसली बता रहा हूँ, इतना मस्त मौसम होता और घूमने में भी इतना मजा आता, मगर ऐसी धूप में ना कहीं से जादू हो जाएगा, आ जाएगी। तुम्हारे अब्बा छोड़ के गए थे क्या जादू? ओ यार भविष्यवाणी कर रहे। तुमको उर्दू आता है? उर्दू आता है तुमको? सो गाइस अताप पे आ चुके हैं इधर। सही है, इधर अब 15 मिनट रेस्ट करेंगे, इसके बाद सीधा 40 किलोमीटर चल लेंगे। तो भाई अब बता क्या कर रहा है तू तो हमारे लिए? ये इसकी वजह से हम बैठे हैं इधर, नहीं तो हमको मतलब इनको कोई पूछता नहीं इधर। गलत नाम ले लिया भाई साहब आपने, गलत नाम ले लिया इसको, समझ बता भाई। हेलो, अब आगे क्या प्रोग्राम है तेरा? नहीं तुम बताओ ना आगे क्या तुमने सोचा हुआ है। तो गाइस संजय हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आ गया है, मस्त से पकोड़े, और क्या है ये, क्या है? हाँ मगध पापड़ पकोड़े। हाँ वो पापड़ है, ये पकोड़े, तो मस्त इसको खाते हैं सूरज आए उससे पहले। मगध बहुत ही टेस्टी था, ठीक है संजय की, इसका शुक्रिया कि इसने हमको ये खिलाया, बहुत ही मस्त है, ठीक है। जिंदगी में पहली बार खा रहा हूँ, ये जिंदगी में पहली बार खा रहा है, मैं बहुत खा चुका, इनके घर नहीं बनता ये। सही है गाइस, आपको
हमारे एक न्यू फ्रेंड से मिलाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही स्पेशल है। ये फ्रेंड क्यूट है, बहुत ही क्यूट है, ठीक है ना सूरज जी। देख ये देख ये मेरा ना। अच्छा क्या कहते हैं सूरज? मेरा नाम सूरज में है। ये मेरा असली फ्रेंड है, ये अभी मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आया है। सही है, वो नहीं पिएगा, छोड़ उसे मत दे। खाने पीने की कसर निकाले आज इनसे भाई, इसकी है यार, संजय की है। चल बैठ भाई, पी ले। ओके, इसका नाम क्या है? सूरज। सूरज, ओके गुड। किसने रखा इसका नाम, तुमने? अच्छा, तो ये तुम्हारा दोस्त है? अच्छा अच्छा, गुड हो गया। तो गाइस फाइनली अभी यहाँ से निकलने का प्रोग्राम हो गया है। सही है, अब नेक्स्ट कहाँ पे चलना है भाई, बता। गाइस अभी भाई की चाबी खो गई थी, ठीक है, बड़ी मुश्किल से ढूंढी है यहाँ पे। देखो लाइट भी नहीं है, लाइट भी चली गई है, बहुत गर्मी भी हो रही है इधर। तो यार मैं हरू भरू इसको गाली देता था, ये मेरा सच्चा दोस्त है, इसने मेरे को ढूंढ के दी है अभी, ठीक है। तो हाँ इसने छुपाई थी, यही क्या तो चलो गाइस अब चलते हैं मुरलीधर मंदिर। गाइस यार सीरियसली पाकिस्तान में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा मंदिर देखा है, पहली दफा जिंदगी में, ठीक है। मिट्टी में बहुत बार आया हूँ बट ऐसा मंदिर कभी नहीं देखा। मुरलीधर मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है इधर का, और कितना मस्त बना हुआ है यार। अंदर चलते हैं, व्यू देखते हैं इसका। यार देख पा रहे हो कितना मस्त मंदिर बना हुआ है, पाकिस्तान में कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि यार इतना मस्त मंदिर है इधर। सीरियसली बहुत ही मज़ा आया ये मंदिर घूम के। और अब अपन चलते हैं सीधा पाटग्राम पे, ठीक है, पाटग्राम बाबा पे, एंड उधर अपन आपको नेक्स्ट व्यू दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या है। सही, बाकी बहुत ज़्यादा मंदिर है इधर, कम से कम 50 से ज़्यादा मंदिर होंगे पूरे के पूरे मिट्टी में। बट अभी क्या है कि इतना टाइम भी नहीं है कि यार सारे के सारे घूमें, तो आपको जस्ट जो मेन मेन मंदिर है वो दिखा दिए, ठीक है गाइस। तो गाइस बालों की हालत कुछ ऐसी हो गई है, ये कुल्फी खा रहे हैं, ठीक है, हम भी कुल्फी खाते हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक आ चुके हैं। बाकी कितना टाइम, अभी और 20-25 मिनट जाना है यार, धूप है क्या बताएं गाइस, इतनी धूप है क्या बताएं, मुझे हालत पतली हो गई इधर आके, काली हो गई, हाँ गर्मी है, ये काला हो गया, ये गोरा था कब जो काला हो गया। देखो यार क्रीमे मारता है, क्रीम का असर है पूरे फेस पे। मेरा लवली नहीं, नाइट के फार्मूले मारता है। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं पारब्रह्म पे, मगर हम जो सोच के आए थे कि आज मेला होगा तो वो तो नहीं है आज, है ना? गर्मी भी बहुत है, पानी भी नहीं मिल रहा कि यार हाथ मुंह धोएं, वो भी नहीं है। सही है, तीन चार घंटे बैठे हैं यहाँ पे, जैसे ही शाम हो निकल देंगे, यही करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा प्रोग्राम था कि यार रात तक बैठे हैं इधर, सुबह को जाएंगे। हाँ सुबह मतलब रात को निकलेंगे एंड सुबह को मतलब अपनी सिटी, हाँ सिटी पहुँच जाएंगे, मगर आज मेला तो नहीं है, मेला है कल, तो हम एक दिन पहले आ चुके हैं, ठीक है, तो थोड़ा यू नो। खैर जो भी है आपको व्यू दिखाते हैं अंदर का, अगर कैमरा अलो हो तो, अदरवाइज दिखते हैं।
तो गाइज हम आ चुके हैं अभी, ठीक है, मंदिर से बहुत दूर। अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलो नहीं था, सही है, हम कैमरा लेके गए थे बट उन्होंने फ़ोन छीन लिया, बोला फ़ोन दो हमें, सही है, और स्टैंड भी ले लिया, ट्राईपॉड भी ले लिया, सब चीज़ें ले ली और सारी चीज़ें बैग वगैरह सब रख लिए थे हमारे। हाँ। बस बोला जाके ओके हम अंदर से। हाँ बस बोला कि जाओ यहाँ से ज़ियारत करो, बाकी फैमिली अंदर अलो, सॉरी फैमिली अलो है, बैचलर अलो है, मत तरीका कुछ और ही था, इनका बिहेवियर कुछ और ही था, समझ में नहीं आया, क्योंकि हम यहाँ से मतलब कम से कम 150 किलोमीटर आए हैं इधर, ठीक है, 3.5 घंटे। हाँ 3.5-4 घंटे का सफ़र करके, यू नो, सुबह 6 बजे से हम चल रहे हैं इधर, बट वो तरीका, वो जो हमने सोचा था, वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हुई, सही है। इनके बोलने का तरीका कुछ अलग था, पता नहीं यार, हम और भी जगह गए थे बट यहाँ पे तो भाई कुछ अलग ही था, कुछ अलग ही बिहेवियर था, क्या बोलते हो? बिल्कुल भाई बिल्कुल, इसलिए तो हम निकल के आ गए यहाँ धूप में। मैंने हमने सोचा भाई जा रहे हैं घर, अभी तो बैठना ही नहीं है यहाँ पे, हमारा प्रोग्राम था कि रात को निकलेंगे, पर इस वजह से हम अभी 1:30 बजे अभी वापस जा रहे हैं घर पे। मतलब यार एक बंदा बैठता है ना, बैठने तक की उन्होंने मतलब बोला कि हम यहाँ बैठ सकते नहीं, यहाँ पे फैमिली है, ऐसे वैसे बाहर बैठो, मतलब छोड़ो यार, अब क्या ही कहना, खैर अपन तो घूम के आ गए हैं। बाकी गाइस आज का व्लॉग अपन यहीं पे एंड करते हैं, सही है, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे तंग हो चुके हैं, तो अब जाते हैं घर की ओर सीधा, और बाकी यहाँ पे जो हुआ उसके बाद तो यार बिल्कुल भी मूड नहीं है कुछ चीज़ करने का। ऑलराइट गाइस, यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट जो आपको अच्छा लगे कर लेना, ठीक है, बाकी हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।